नमस्कार साथियों, आप सभी का राजस्थान एग्जाम में दिल की गहराई से स्वागत है। आज हम आपके लिए सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का प्रथम कौशल, प्रस्तावना कौशल या फिर पठोपस्थापना कौशल लेकर आए हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, आपको पता लगेगा कि हम किस तरह से पठोपस्थापना या फिर प्रस्तावना कौशल बना सकते हैं। तो आज आपके लिए जीव विज्ञान यानी साइंस का टॉपिक लेकर आए हैं। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपको साइंस का बनाना है। अन्य सब्जेक्ट्स का आप चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बता दीजिए कौन से टॉपिक का और कौन से सब्जेक्ट्स का आपको प्रस्तावना कौशल चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो माइक्रो टीचिंग नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसे आप अपने टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स के अनुसार देख लीजिए। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि आप हमारा सबसे पहला कौशल है यानी पठोपस्थापना कौशल, और यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है जिस दिन आप पठोपस्थापना कौशल वहाँ पर देने जा रहे हो। तो उसके बाद में विषय आपका वो लिखना है जो जिस विषय से आप बीएड कर रहे हो, और यहाँ पर आपको कक्षा वही कक्षा लिखनी है जिस कक्षा का आप लेसन बनाकर ले जा रहे हो, और यहाँ पर आपको प्रकरण लिखना है, और प्रकरण लिखने के बाद में आपको उसको अंडरलाइन करनी है, और शिक्षण बिंदु भी आपको प्रकरण और शिक्षण बिंदु यहाँ पर लिखना है, यानी जो प्रकरण होगा वही आपका शिक्षण बिंदु होगा। तो चलो अब हम शुरू करते हैं कि किस तरह से आपको बनाना है। एक जीव विज्ञान का हमने लिया है जो आपको पठोपस्थापना कौशल बनाने के लिए। तो देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पलकों के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चों भूख लगने पर हम क्या करते हैं। तो आंसर आएगा जहाँ पर आप किस बच्चे वो बैठे होंगे वो आंसर देंगे, यानी भोजन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको भोजन से ही आपका स्टार्ट होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि भोजन से हमें क्या मिलता है। तो भोजन से हमें क्या मिलता है, उत्तर आ जाएगा ऊर्जा। तो ऊर्जा से ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करना है। तो देख लीजिए, भोजन में ऐसा क्या होता है जो हमें ऊर्जा देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोषक तत्व। और उसके बाद में आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो आप बच्चों के आंसर आ जाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। और नेक्स्ट आपका अंतिम क्वेश्चन होगा जो आपका समस्यात्मक क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, यहीं से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, यानी कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया, इसमें बच्चे आंसर नहीं देंगे। बाद में आपको उद्देश्य कथन अंत में लिखना है, किस तरह से लिखेंगे देख लीजिए। अच्छा बच्चों, आज हम भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इस तरह से आपको लिखना है आपका जो भी टॉपिक हो, यानी जिस ये तो आपको लिखना ही है अच्छा बच्चों आज हम, उसके बाद में आप जिस टॉपिक पर बना रहे हो वो लिखना है कि भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों के बारे, इसके बाद में ये भी आपको लिखना है कि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं आपका कि आपको प्रकरण क्या लिखना है। तो यहाँ पर आपका प्रकरण क्या आ जाएगा, आप बताइए कि आपका प्रकरण होगा यहाँ पर कि पोषक तत्व क्या होगा, पोषक तत्व यहाँ पर आपका प्रकरण हो जाएगा, और यही आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा। आप क्या पढ़ा रहे हैं यानी पोषक तत्वों के बारे में आप यहाँ पर बता रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक बने रहिए राजस्थान एग्जाम के साथ। आपको अन्य और भी किसी और टॉपिक के बारे में प्रस्तावना कौशल से संबंधित क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट कर बता दीजिए।